वेलकम बैक गाइज, माय नेम इज जीवन उप्रेती और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ नेम इक्वल्स टू इक्वल्स टू मेन के बारे में और क्या है ये। अगर आपको भी दिक्कत आती है इसको समझने में तो शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में जरूर से बने रहे आप और इस वीडियो के एंड तक आपको इसके बारे में ए टू जेड सारी चीजें क्लियर होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी फालतू की बात करूंगा नहीं। सो गाइज, यहाँ पर आकर मैंने सबसे पहले खोल लिया अपना विजुअल स्टूडियो कोड और यहाँ पर आकर मैंने बनाई है दो फाइल्स। एक फाइल का नाम मैंने रखा है funk1.py और दूसरी फाइल का मैंने नाम रखा है funk2.py और ये दोनों की दोनों फाइल्स मैंने खोल ली है यहाँ पे। गाइज, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन एंड तक आप इस वीडियो में बने रहे और आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। और मैं यहाँ पर आकर अगर आपको बताऊं गाइज, सबसे पहले मैं सिंपली आपको बताऊंगा, आप यहाँ पर आकर अगर गाइज आप विजुअल स्टूडियो कोड आईडी यूज करें या फिर आप पाइचाम वगैरह कोई आईडी यूज करें, आप आकर सिंपली अगर यहाँ पर मेन लिखेंगे और जैसे ही एंटर करेंगे तो आपको एक ही सिंपल टेम्पलेट मिलेगी और यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं है आप ऐसी करें, आप मैन्युअली भी टाइप करके कर ही सकते हैं। इफ नेम अंडरस्कोर नेम लिखूंगा मैं, अंडरस्कोर नेम और फिर लगाऊंगा अंडरस्कोर और डबल इक्वल्स टू और एक स्ट्रिंग के अंदर हम लिख देंगे यहाँ पे अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोलन लगाएंगे हम सिंपली, जैसे हम फंक्शन के अंदर आ जाते हैं अपने इंडेंटेशन लेवल के अंदर वहां पर आ जाएंगे। और अगर आप कोई आईडी यूज करें जैसा मैंने बताया, अगर आप मेन लिखेंगे तो सिंपली आपके पास ये आ जाएगा या इसे आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई मेन की, तो यही है हमारा मेन। अब इसके बारे में बात करने से पहले मैं बताऊंगा आपको, अगर आप सिंपली यहां पर आकर प्रिंट करा लें और प्रिंट क्या करा लें, अंडरस्कोर नेम अगर आप प्रिंट करा लें तो गाइस मैं आपको यहां पर बताऊंगा, मैं इसको अगर अभी रन करूं तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं प्रिंट करा रहा हूं अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर को, तो मैं अगर इसे रन करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे मेन देखने को मिलेगा। और जैसे ही अगर मैं इसे रन करता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहे, मैंने इसे रन किया और यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है, जैसे ये रन हो रहा है मेरा प्रोग्राम अभी, और मेरे को देखने को मिला अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। अब यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, सिंपली मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर आप किसी फाइल के अंदर है, यहां पर मैं funk1.py नाम की फाइल के अंदर हूं, अगर आप किसी फाइल के अंदर है उसी के अंदर आप कोड लिख रहे हैं और उसी के अंदर उस फाइल को रन कर रहे हैं, तो अगर आप उसका नेम देखेंगे, यानी कि मैं नेम का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, अगर आप इसे चेक करेंगे तो वो हमेशा मेन दिखाएगा। यानी कि अगर आप उसी फाइल के अंदर है वहीं पे कोड लिख रहे हैं और वहीं पे रन कर रहे हैं तो वो उसका नेम मेन दिखाएगा। लेकिन अब हम सोच सकते हैं कि अभी तक हम जैसे कर रहे थे सिंपली उसी फाइल के अंदर कोड लिख रहे थे वहीं पे रन कर रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उस फाइल के कंटेंट को वहीं पे यूज करें, हम उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी फाइल में। और मैं अगर आपको यहां पे आके दिखाऊं, अगर मैं इसके अंदर आके सेम चीज को लिखूंगा, यहां पर आकर मैं फिर से प्रिंट कराता हूं और प्रिंट कराऊंगा मैं नेम इसका, ठीक है, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। अगर मैं यहां पे आके रन करूं तो अभी मैंने क्या किया, मैं funk2 फाइल के अंदर था, funk2 फाइल के अंदर ही मैंने कोड लिखा और वहीं पे उसे रन कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे सिंपली मेन देखने को मिलेगा। तो यहां पे मुझे सिंपली मेन देखने को मिल गया, यहां पे आप देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने funk1 के अंदर लिखा वहां पे मुझे मेन देखने को मिला, funk2 के अंदर लिखा वहां पे मेरे को मेन दिखा। लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने funk2 के अंदर ही कोड लिखा वहीं पे उसे रन किया तो उसने उसे मेन दिखाया। लेकिन अगर मैं इस फाइल को यहां पे इंपोर्ट कर लूं funk1 को, मेरी बात को आप ध्यान से सुने, मैं अगर funk1 फाइल को इंपोर्ट कर दूं तो इंपोर्ट करने से क्या होता है, सारे के सारे फंक्शंस उसके यहां पर आकर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अभी मैंने सिंपली क्या लिखा है, मैंने प्रिंट फंक्शन लगाया यहाँ पे और नेम प्रिंट किया, तो इस नेम को अगर मैं यहाँ पे रन करूँ, एक बार फिर से मैं करके दिखाऊंगा, अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ funk1 के अंदर ही मैंने कोड लिखा वहीं पे रन किया तो क्या दिखा रहा है, वो मेन, यानी कि वो मेन फाइल के अंदर, अपनी ही फाइल के अंदर, मेन फाइल के अंदर रन हो रहा है। लेकिन इसे मैंने इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, मैंने इस फाइल को funk1 फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, जिस तरह से हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किए थे उसी प्रकार से हम यहाँ पर funk1.py नाम की फाइल को भी इंपोर्ट funk1 लिख के इंपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये वाला जो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है ये इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन गाइज इस बार ये मेन प्रिंट नहीं करेगा, इस बार आप देखेंगे क्या प्रिंट करेगा, मैं जैसे ही इसे रन करता हूं तो यहां पर मुझे प्रिंट होके क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे funk1 देखने को मिल रहा है प्रिंट होके। तो इससे हमको एक बात समझ आई, और वो क्या बात समझ आई कि किसी भी एक फाइल को उसके अंदर हमने यहाँ पे कंटेंट लिखा funk1 के अंदर, उसी फाइल के अंदर उसे रन किया तो उसने मेन दिखाया, यानी कि हम किसी एक फाइल के अंदर नेम प्रिंट कराएं तो वो मेन दिखाएगा। लेकिन उसको अगर दूसरी जगह इंपोर्ट करें, funk2.py नाम की फाइल के अंदर मैंने funk1 को इंपोर्ट किया और यहां पर इसे रन कर रहा हूं, तो यहां पर वो मेन नहीं दिखाएगा, यहां पर क्योंकि वो दूसरी फाइल में इंपोर्ट हो रहा है तो यहां पे वो उस फाइल का नाम दिखाएगा, यहां पे मुझे दिखा रहा है funk1। तो चलो बढ़िया, ये आपको समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया एक बार से बैक करके फिर से इसे देखें और आपको ए टू जेड सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे मैं बात करता हूं जो कि मेन बात थी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं इसे अगर यहां पे आऊं अगर मैं, और मैं क्या करूंगा, इसे मैं फिलहाल हटा देता हूं यहां से, और इस बार मैं क्या करूंगा,
मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन का नाम मैं लिख दूंगा यहाँ पर डेफ, फंक्शन का नाम मैं रख दूंगा F1, और F1 फंक्शन क्या करता है, सिंपली इसके अंदर आऊंगा और ये कुछ नहीं करता, ये रिटर्न कर देता है एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में रिटर्न क्या करता है, दिस इज फंक्शन वन, ठीक है, दिस इज फंक्शन वन, ये रिटर्न कर देता है। उसी प्रकार से मैं दूसरा फंक्शन बनाऊंगा एक F2 नाम से, और देखते जाए आप अंत तक आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज फंक्शन टू, इस बार मैं लिखूंगा दिस इज फंक्शन टू। तो मैंने यहाँ पे दो फंक्शंस बनाए। अब हमें पता है अगर हम इसे रन करेंगे तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि फंक्शंस को हमें कॉल करना पड़ता है तभी उनका रिजल्ट देखने को मिलता है, ये मैंने फंक्शन वाली वीडियो में बताया हुआ है। अगर मैं अभी आके यहाँ पे प्रिंट करा लूं F1 को मैं यहाँ पे कॉल कर लूं, और मैंने प्रिंट फंक्शन क्यों लगाया, क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न करा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इसको डाल सकते हैं दिस इज फंक्शन वन को, तो आप डायरेक्ट कॉल करेंगे तब भी हो जाएगा, तो ये सब तो आपको पता ही है। अब मैं करा दूं यहाँ पे F2 को कॉल, F2 को कॉल करा दूं, तो अब क्या होगा, सिंपली मैं इसे रन करूंगा तो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि आएगा हमारे पास दिस इज फंक्शन वन, इसकी वजह से क्योंकि F1 वाले को हमने कॉल किया, और यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट में आ जाएगा हमारे पास दिस इज फंक्शन टू। अगर मैं अभी इसे रन कर दूं, सिंपली मैं इसे रन करूंगा तो हमारे पास दो स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, और हमारे को यहाँ पे दो स्टेटमेंट देखने को मिली, दिस इज फंक्शन वन, दिस इज फंक्शन टू। सिंपल सी इसमें बात थी, कोई इसमें नई बात नहीं थी, ये हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, मैंने आपको बताया यहाँ पे मैंने जैसे इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाई, इंपोर्ट किया मैंने फंक्शन फंक वन फाइल को जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया, इसका सारा का सारा कंटेंट एकदम लाइन वाइज जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है सेम टू सेम यहाँ पे भी हो जाएगा अगर मैं इसे रन कर दूं। मैंने कुछ नहीं किया गाइज, सिंपली मैंने सिर्फ इंपोर्ट किया है फंक वन फाइल को। मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए कमाल, और यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज फंक्शन वन, दिस इज फंक्शन टू, वो दोनों की दोनों लाइन यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई एज इट इज। अब जरूरी नहीं है कि हम ऐसा चाहेंगे कि हम इंपोर्ट करें किसी फाइल को और सारे के सारे उसके फंक्शंस आके हमारी फाइल के अंदर प्रिंट हो जाएं, तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम कुछ चीजों को हाइड करके रखना चाहेंगे, या फिर हम अपनी हिसाब से जो भी चीजें हमको यूज करनी है, जो भी पर्टिकुलर फंक्शन को हमें यूज करना है उसकी फंक्शनैलिटी हमें अपनी फाइल के अंदर चाहिए, तो हम इंपोर्ट करके उसकी पर्टिकुलर उस फंक्शन को यूज करना चाहेंगे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, सारे के सारे फंक्शन, अगर यहाँ पे 20 फंक्शन भी होते हैं, सारे के सारे 20 फंक्शन की फंक्शनैलिटी यहाँ पे आके प्रिंट हो गई होती, तो यहीं पे काम में आता है मेन। और किस तरह से काम में आता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर आकर मैं लिख दूंगा इन दोनों स्टेटमेंट को, मैं डाल दूंगा मेन के अंदर, और यहां पे आकर मैं जैसे ही मेन लिखूंगा मेरे पास ये आया, और इन दोनों स्टेटमेंट्स को मैं एक एक टैब दे दूंगा ताकि ये इसके इंडेंटेशन लेवल के अंदर आ जाए, इसके ब्लॉक के अंदर आ जाए यहां पे, और मुझे यहां पे करना पड़ेगा। और इस तरह से मैंने इन दो फंक्शंस को, यानी ये जब मैं कॉल कर रहा हूं, मैंने मेन के अंदर डाल दिया। अब क्या होगा गाइस, अब आप देखें, अब मैं यहां पे रन करूंगा इसे, फंक वन के अंदर ही कोड है वहीं पे ही रन करूंगा, तो क्या होगा, मेरे पास सिंपली आ जाएगा दिस इज फंक्शन वन, दिस इज फंक्शन टू, क्योंकि ये इस फाइल के फंक्शंस है, ये इसी फाइल के फंक्शंस है। लेकिन अभी मैंने इसे यहाँ पे इंपोर्ट किया है, अब मैंने इसे इंपोर्ट किया है, अगर मैं अभी इसे रन करूं तो अब क्या होगा, अब आप कमाल देखें, अब मेरे पास कुछ भी आउटपुट शो नहीं हो रहा है, अब मेरे पास कुछ भी आउटपुट शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है आउटपुट शो, क्योंकि मैंने उसे मेन के अंदर डाल दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखूंगा, कुछ प्रिंट कराना चाहूं, मैं प्रिंट करा दूं अगर हेलो, तो क्या होगा, ये फाइल इंपोर्ट तो हुई लेकिन इसका कोई फंक्शन यहाँ पे आया नहीं। अब क्या होगा, सिंपली मैं फंक टू के अंदर जो भी कंटेंट लिखूंगा, फंक टू वाला कंटेंट मुझे दिखेगा, लेकिन फंक वन फाइल के एकदम एज इट इज सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे आके एकदम डिस्प्ले नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, मैं बताता हूं आपको। यहाँ पर क्या है गाइज, हमने डाली एक स्टेटमेंट, इफ नेम इक्वल्स टू मेन। अब मैंने बताया आपको नेम कब मेन के इक्वल होगा, नेम तब मेन के इक्वल होगा जब आप उसी फाइल के अंदर हैं और वहीं पे आप कोड लिख रहे हैं और वहीं पे ही उसको रन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल से कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ एल्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, इफ एल्स के बारे में आपको पता होगा, इफ का मतलब क्या होता है, अगर, इफ अगर नेम जो है, नेम अगर मेन के इक्वल है, यानी कि अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अगर मेन के इक्वल है, यानी कि अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर के इक्वल है, तभी क्या करो, तभी इन फंक्शंस को कॉल करो। तो मेन के इक्वल कब होगा नेम, जबकि हम इसी फाइल के अंदर कोड लिखा हुआ है हमने और यहीं पे इसे रन कर रहे हैं। तो हम अगर इसी फाइल के अंदर इसे रन कर रहे हैं तो ये एकदम स्मूथली रन हो रहा है और दोनों के दोनों फंक्शंस हमको एग्जीक्यूट होके मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई है, अगर नेम मेन के इक्वल है, और नेम मेन के इक्वल कब होगा, जब ये इसी फाइल के अंदर रन हो रहा होगा। लेकिन जैसे ये यहाँ पे आता है तो अभी क्या हुआ, फंक वन को इंपोर्ट किया, फंक वन फाइल इंपोर्ट हुई, और क्या हुआ, यहाँ पर आकर सेम उसने वैसी कंटेंट चलाया, लेकिन उसको स्टेटमेंट क्या मिली, इफ नेम इक्वल्स टू मेन। लेकिन यहाँ पर आकर तो वो जो नेम था उस फाइल का, उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम तो फंक वन हो गया, जैसा कि भाई मैंने आपको पहले करके दिखाया था। अगर आपको समझ नहीं आया, आप उस वाले पॉइंट पे जाके जरूर से देखें वीडियो को बैक करके, तो आपको समझ आएगा क्या हुआ। बेसिकली इस फाइल के अंदर आके जो नेम की वैल्यू थी वो फंक वन हो गई, वो मेन नहीं रही। इस फाइल के अंदर तो वो मेन थी, लेकिन इसके अंदर आकर वो मेन नहीं रही, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि ये वाली कंडीशन, इस फाइल के अंदर जब आए हम, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इस तरह से हमने इसको देखा।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम उसे यूज नहीं कर सकते, अब हम उसे अपनी सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं। और कैसे उसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस फिलहाल इस स्टेटमेंट को मैं यहीं पे ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अब उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप उसको उसके फाइल के नाम से, जो कि आपने इम्पोर्ट फंक वन लिखा है, उसके नाम से उसे यूज कर पाएंगे। तो मुझे अगर फंक्शनैलिटी चाहिए F1 फंक्शन की, मुझे पर्टिकुलरली F1 फंक्शन चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे अगर F1 फंक्शन चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा प्रिंट, और F1 को अगर मैं सिंपली कॉल करूंगा तो ये कॉल नहीं होगा क्योंकि F1 फंक्शन इसके अंदर है नहीं। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा func1.f1, मुझे लिखना पड़ेगा func1.f1। और अगर अब मैं इसे रन करूंगा तो सिंपली से मेरे पास रन होगा और मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे दिस इज फंक्शन वन। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया दिस इज फंक्शन वन इसकी वजह से, और हेलो तो हमने इस फाइल के अंदर लिखा था तो वो तो आना ही था। मुझे अगर फंक्शन टू भी चाहिए तो मैं कर दूंगा यहाँ पे प्रिंट func1.f2। हमें लिखना है फाइल का नाम func1.f2 करेंगे तो ये फंक्शन ये वाला भी इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर लेंगे। अगर मैं अब रन करूं तो मेरे पास यहाँ पे ये भी आ चुका है, दिस इज फंक्शन वन, दिस इज फंक्शन टू, और हेलो तो हमारी इस फाइल के अंदर है ही। अब क्या है कि इस तरह से हमने इसे कर लिया, और इसको आप जरूर से याद रखें कि इसे यहाँ पे इंपोर्ट जरूर करना, नहीं तो ये फंक्शन चलेंगे नहीं। तो इंपोर्ट करना उस फाइल को और उस फाइल का नाम डॉट पर्टिकुलर फंक्शन का नाम, तो फाइल का नाम डॉट करके पर्टिकुलर फंक्शन का नाम, उस फंक्शन को ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो सिर्फ दो ही फंक्शन थे, लेकिन उस फाइल के अंदर अगर 100 फंक्शन हो और हमको पर्टिकुलरली 2-3 फंक्शन चाहिए अपने काम के लिए, तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेन के बारे में भी समझ आया होगा। मेन का यूसेज हम कहाँ पे करते हैं, हम मेन बना लेते हैं, उसके अंदर हम सिंपली फंक्शन को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे आके। तो मेन में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मेन का सिंपली मतलब ये है कि अगर आप इसी फाइल के अंदर है और यहीं पे अपने कोड लिख के इसे यहीं पे रन कराया है, तो उसका जो नेम होता है वो मेन के इक्वल होता है। इसलिए हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ नेम इक्वल्स टू मेन है तो क्या कर दो, तब इन्हें कॉल करो, वरना मत करो। तो हम दूसरी फाइल में जाते हैं तो वहां पे नेम चेंज हो गया होता है तो मेन वो नहीं रह जाता, तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो इसलिए रन नहीं हो पाता। सो गाइज आई होप आपको ये चीजें समझ आई हो। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी रह रहा है, इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, आपको सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। एकदम बढ़िया तरीके से मैंने इस चीज को बताया हुआ है, और फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने गाइज इस पाइथन प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इन सारी वीडियोस को आप यहां से देख सकते हैं अगर आपको और भी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, ओके बाय।